डॉक्टर नरेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डिहाइड्रेशन असल में हम किस कंडीशन को कहें? क्योंकि ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम 24 घंटे में एक बूंद भी पानी नहीं पीते, एक ग्लास भी पानी नहीं पीते, लेकिन डिहाइड्रेशन आखिर कौन सी कंडीशन है? जो हम बात करते हैं गर्मी के प्रकोप की, ग्रीष्म ऋतु में इतनी गर्मी में हमें यह समझना पड़ेगा कि बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, हमारा तापमान पे कितना हम लोग पसीना आता है, एक नेचुरल लॉस ऑफ फ्लूड होता है बॉडी से, जिसको कंपनसेट करना जरूरी है स्टूल के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से और स्किन के माध्यम से. गर्मी के मौसम में ये माना जाता है कि तकरीबन 1 लीटर फ्लूइड आपकी त्वचा से मात्र लॉस हो सकता है, जिसमें नमक, सोडियम और पोटेशियम दोनों शामिल होते हैं. ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन तब होता है जब हम अंदर लेने वाला जो पीने वाला पानी है वो कम मात्रा में लेते हैं, और साथ में खाली पानी की कमी नहीं होती, त्वचा से निकलता है सोडियम और उससे सोडियम की कमी होती है शरीर में. अतः ये जरूरी है कि हम पानी के साथ सोडियम या पोटेशियम, जैसे कि नींबू पानी, नमक, घर में जो बनता है जल, बड़ा सामान्य तौर पे सभी लोगों के घर बनता है शिकंजी मीठा, उसमें थोड़ा नमक डालें, लेकिन नमक टेबल सॉल्ट, सफ़ेद सॉल्ट, सिंधा नमक नहीं. और नारियल पानी जैसा आपने कहा, इसका प्रयोग यदि रेगुलर नियमित करेंगे और तकरीबन 2.5 से 3 लीटर पानी दिन भर में पीना जरूरी अनिवार्य है 3 लीटर, तभी आपको डिहाइड्रेशन संभावना नहीं है. परंतु यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं और धूप में जा रहे हैं, गाड़ी में नहीं है, एसी में नहीं है, तो आपको ये पानी की मात्रा अपने साथ बढ़ानी पड़ेगी. एक फ्लास्क जिसमें नींबू पानी, नमक पदार्थ, नारियल पानी हो, वो 1 लीटर साथ में लेकर जाएं और इससे बचने का आप उपाय करके चलें.